सासनी कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में राष्ट्रपिता महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आर्य वीरांगना दल एवं आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश के पावन सानिध्य में 200 कुंडीय यज्ञ शौर्य प्रदर्शन एवं महर्षि दयानंद यशोगाथा सम्मेलन आयोजित किया गया। भाई कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में आज जो किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस के तत्वावधान में आर्य वीरांगना दल एवं आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश के सानिध्य में 200 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ का ब्रह्मत्व डॉक्टर प्रवीण विद्यालंकार जो लखनऊ से आए हैं और गुरुकुल के ही पूर्व स्नातिका हैं, उन्होंने किया है। बड़ी कुशलता से सारे यज्ञ को संपन्न कराया और आज कई आर्य वीरांगनाओं का जो व्यायाम प्रदर्शन के कार्यक्रम हुए हैं, उनके कार्यक्रम के जो आज मुख्य अतिथि थे श्री जितेंद्र भाटिया जी, जो प्रतिनिधि बनकर के आए थे, राजीव जी गुलाटी जो MDH मसाले वाले हैं उनके प्रतिनिधि बनकर के आए थे, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। उनका उद्बोधन हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री पवन आर्य, प्रधान आर्य समाज हापुर, श्री अनिल राजपूत रिम्स हॉस्पिटल, श्रीमती डॉक्टर शशि प्रभा जी, श्री अरविंद जी, अन्य अनेक गणमान्य विशिष्ट अतिथि जो दिल्ली, गाजियाबाद और क्षेत्रीय जनपद के रहे, उन्होंने हमारे मंच की शोभा को बढ़ाया। उसके पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री पंकज आर्य, मुख्य संचालक आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी सभा के उपप्रधान श्री अभय कुमार सिंह ने की और कार्यक्रम में विशिष्ट बात यह है कि ये हमने पहली बार ऐसा प्रयोग किया कि गुरुकुल की संस्कृति और विचारों को बाहर तक पहुंचाने के लिए हमने जनपद के और जनपद से बाहर के 6 विद्यालयों से संपर्क किया और वहाँ के लगभग 506 छात्राओं ने शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षण का कार्यक्रम, पहले हमने एक सप्ताह पूर्व उनके यहाँ ट्रेनिंग दी, अपनी बालिका गुरुकुल की प्रशिक्षिका कुमारी वंदना और मानसी को लेकर के मैं स्वयं विद्यालयों में गई और वहाँ पर उनको प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण दिलाया और उस प्रशिक्षण का प्रदर्शन आज इस कार्यक्रम के रूप में हुआ और ये अत्यंत भव्य कार्यक्रम हुआ है। ये कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती को समर्पित रहा है।